अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अरेबियन ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे आधा कप पानी, उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 500 ml दूध, दूध को अच्छी तरीके से उबाल लेंगे। यहाँ दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 4-5 टेबलस्पून चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड, मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड, उसी के साथ मैंने इसमें लिया है आधा कप दूध। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे दूध में डाल देंगे, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे दूध अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ कस्टर्ड अच्छी तरीके से पक चुका है, कस्टर्ड अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है। बस हमें इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। अब हम इसे 5-10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा कर लेंगे। यहाँ मैंने लिए है ब्रेड स्लाइस, ब्रेड स्लाइस के जो कॉर्नर है इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैंने लिए 10-12 ब्रेड स्लाइस, ब्रेड स्लाइस के सारे कॉर्नरों को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। और जो ब्रेड के कॉर्नर है उसे फेंके नहीं, उसे ब्रेड क्रम बना ले। यहाँ मैंने सारे ब्रेड को तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने ली है दूध की मलाई, आधा कप जितनी मैंने मलाई ली है। अब हम इसमें डालेंगे 6-7 टेबलस्पून मिल्क मेड, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हो, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मलाई को मैंने मिक्स कर लिया, इसे साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने लिए एक ग्लास की डिश। अब हम सारे ब्रेड के पीसेस को एक डिश में अरेंज कर देंगे, इस तरीके से लगा देंगे। फिर इसके ऊपर डालेंगे जो हमने कंडेंस मिल्क और जो मलाई बनाकर रखी थी, थोड़ा थोड़ा फैलाते हुए ब्रेड के स्लाइस के ऊपर डाल देंगे। मलाई को मैंने ब्रेड के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड, कस्टर्ड को ठंडा होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, फैलाते हुए हम कस्टर्ड को डाल देंगे। यहाँ मैंने कस्टर्ड भी इसके ऊपर डाल दिया है। अब दोबारा से हम इसके ऊपर रख देंगे ब्रेड स्लाइस, फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे मलाई, फिर दोबारा से इसके ऊपर डाल देंगे कस्टर्ड। 2 लेयर लगाने के बाद हम एंड में पूरी तरीके से इसे कस्टर्ड से कवर कर देंगे। सारा कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ कटे हुए काजू और बादाम और इसे फ्रिज में रख के 1-1.5 घंटे के लिए ठंडा कर लेंगे। इसके बाद इसे सर्व करेंगे। इसे मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है, इसे थोड़ा सजा दिया है चांदी के वर्क से। इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। आप भी इस अरेबियन ब्रेड पुडिंग की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।